उसमें पानी डाला, अभी पानी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर डाला आपने, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया, आप नीचे से क्या कर रहे हो, हीट। पता है सबसे पहले नीचे वाली लेयर गर्म होती है और वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि गीजर में से पानी निकलता है या पानी गर्म करते हो ना रॉड से, तो ऊपर वाला पानी गर्म मिलता है पर नीचे हाथ डाल के देखते हैं तो ठंडा होता है। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि गीजर में या बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि आप ऊपर देखते हो तो पानी गर्म होता है और नीचे एकदम हाथ डालते हो तो क्या होता है, एकदम नॉर्मल या फिर ठंडा पानी। क्योंकि गर्म पानी जो होता है, जो हॉट वाटर होता है, उसकी होती है लो डेंसिटी। क्या होती है, पार्टिकल दूर हो जाते हैं, गर्म पानी के पार्टिकल दूर हो जाते हैं और उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो, इसलिए वो क्या जाता है, ऊपर। और कोल्ड वाटर की क्या होती है, हाई डेंसिटी। कोल्ड वाटर की होती है हाई डेंसिटी। अब मुझे बताओ कौन सा पानी ऊपर रहेगा, हॉट वाला ऊपर चला जाएगा और कोल्ड वाला नीचे, क्योंकि देखो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, गर्मी देने से पार्टिकल दूर होता है, लो डेंसिटी हो जाती है। डेंसिटी का मतलब यही होता है कि कंपोजिशन, पार्टिकल कितने पास है, पार्टिकल दूर हो गए ऊपर आ गए और कोल्ड पानी नीचे आ गया। इसीलिए बहुत बार ऐसा पाया गया है कि गर्म पानी ऊपर होता है पर नीचे हाथ डालो तो क्या मिलता है, ठंडा पानी। तो अब देखते रहना क्या बता रहा हूं मैं। जब भी आप पानी गर्म करते हो किसी भी यूटेंसिल में, सबसे पहले यहां का पानी गर्म होता है और वहां का वो कहां जाता है, ऊपर। फिर जो नेक्स्ट लेयर होती है ना, मान लो इसे मैं 3 लेयर में डिवाइड करता हूं, 1, 2 और 3। पहली वाली यहां चली गई, इधर दूसरी आ गई और इधर क्या आ गई, तीसरी। ये भी गर्म हो गई, ऊपर चली जाएगी, फिर क्या जाएगी। इस तरीके से पानी गर्म होता है। क्या इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, हाँ। जिसने सबसे पहले गर्म हुआ वो सीधा कहां चला गया, ऊपर। समझ में आ रहा है, फ्लो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फ्लो। वो खुद ऊपर गया ना, ये बाजू वाले को उसने हीट दी, नहीं, वो खुद कहां चला गया, ऊपर, और उसने सारी की सारी हीट अपने पास रख ली। आ रहा है क्या, अरे वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो ठंडा हो सकता है, पर मेन बात है कि ऐसे मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट कंटिन्यूस होता है। अब मैं बताता हूं OTEC, ओशन थर्मल के बारे में। अब मैं बताता हूं क्या होता है। आप जानते हो थर्मल की किसी किसी जगह ओशन इतना गहरा होता है कि कोर के पास होता है, किसके पास होता है, कहीं कहीं ओशन इतना गहरा होता है, जैसे पैसिफिक ओशन इतना गहरा है वो, क्या वो इतना गहरा होगा कि उसकी मतलब इतनी गहराई होगी कि कोर तक पहुंच सकता है, कहां तक, कोर। कोर जानते हो, कोर में गर्मी होती है, होता क्या है, कोर के पास जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, गर्म, और वो बढ़ता है ऊपर, और ठंडा पानी अपने आप आता है नीचे। जब वो कोर का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है ना, तो बबल्स बनते हैं। आपको भी नहीं पता होगा, जब आपका घर पे पानी गर्म हो रहा होता है ना, बबल बन रहे होते हैं, नहीं पता ना, आप बहुत ज्यादा 100-120 डिग्री पे पानी को गर्म करना, बबल ऐसे ऊपर आ रहे होंगे फट फट के, वैसे इसमें बबल ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। क्या नीचे से पानी ऐसे एकदम से ही दूर होगा तो एयर आएगी ना उसके बीच में, ऊपर आ रहा है, और पार्टिकल दूर भी तो होता है, हीट देने से पार्टिकल दूर होता है, आपको ये वाली बात पता है, हाँ, जिस वजह से पार्टिकल दूर दूर से ऊपर आ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, स्पीड से। हम यहाँ पर अगर एक टरबाइन लगा ले, क्या लगा ले, टरबाइन, और उस टरबाइन को किससे जोड़ दे, डायनेमो, डायनेमो मतलब जनरेटर। यहाँ पे आपने अपना टरबाइन लगा लिया, अब ये बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से बुलबुले और पानी ऊपर आ रहा है, जिस वजह से टरबाइन क्या करता है, टरबाइन रोटेट करेगा, डायनेमो चलेगा, जनरेटर चलेगा, और जनरेटर क्या बना देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम आएगी, ये इलेक्ट्रिसिटी वहां के आसपास जो क्या बोलते हैं लैंड्स होंगे, वहां के आसपास जो लैंड्स होंगे वहां काम आ सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी वो जो होता है ना सबको दिखाने वाला रास्ता जिसे लाइट हाउस, उसके काम आ सकती है। क्या हमने ओशन का यूज करके एनर्जी बना ली, हाँ, यही तो होती है OTEC, और OTEC बनती किस वजह से है, हॉट लेयर और कोल्ड लेयर। हॉट लेयर हमेशा ऊपर जाती है, और जब हॉट लेयर ऊपर चली जाती है तो पानी के बहाव से आगे चली जाती है, फिर से क्या जाती है, आगे पानी ऊपर तो चलता ही रहता है, अंदर पानी नहीं चलता इतना तेज से जितना ऊपर चलता है। आ रही है बात समझ में तुम्हें, इसी वजह से सारा टरबाइन वर्क करता है। सर, एनर्जी का
नहीं 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 ऐसा कोई भी डेंजरस नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं वो पार्टिकल तो ऊपर ही नहीं बढ़ेंगे, जो सॉल्टी वाले जो हैवी होते हैं वो तो नीचे ही रहेंगे ना, ज्यादातर तो पानी में ही डिफरेंस आएगा, हॉट लेयर और कोल्ड लेयर। समझ में आया? एकदम मान लो दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, हीट देने पे दूर होते हैं, हीट दूर हुए तो बीच में एयर गैप बन गया, वैक्यूम, उसके बबल्स बन गए, आया प्रेशर डिफरेंस हो गया, क्या हो गया प्रेशर डिफरेंस। तो वो समझ में आया, ये दोनों प्रोसेस किसके थे? कन्वेक्शन। कंडक्शन भी अच्छा है, कन्वेक्शन सही है और भी सही है, क्योंकि उसमें एक्चुअल मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्चुअल मोशन। सबका अपना अपना यूज है, सबका अपना, इसमें स्पीड ज्यादा है, कन्वेक्शन में ये चीज सही है, और दोनों सबका अपना अपना यूज है। समझ में आया? अगर ऐसा ना होता ना तो पता है दिक्कत नहीं, इससे क्या होता है यूनिफॉर्म हीट बनती है। क्या बनती है? अगर इसमें आप पानी गर्म करते हो, इस तरीके से गर्म करने पे पूरा पानी गर्म हो जाएगा। वो पर ये तो चलता रहेगा ना, साइकिल प्रोसेस है। बहुत कम टाइम में क्या फर्क पड़ता है, बहुत कम टाइम में क्या फर्क पड़ता है, कम टाइम के लिए तो इक्वल हुआ ना हमने, थोड़ा तो डिफरेंस है ही। पर कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में तो अच्छा है, यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही है, कंडक्शन में दिक्कत होती है। वहाँ पे आप हीट देते हो, यहाँ पे यहाँ आ जाते बेचारी कम हो जाती है, हमारे को तो प्रॉब्लम हो गई ना, ये दिक्कत है। और यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा 100 डिग्री है, और आते आते हो सकता है कि 20 डिग्री हो जाए, यही होता है, क्योंकि जो यूटेंसिल नीचे से गर्म होता है ना वो ऊपर से उतना गर्म नहीं होता। आप यूटेंसिल के नीचे एक बार हाथ लगाना और ऊपर लगाना, दोनों में बहुत बड़ा क्या होगा डिफरेंस होगा। ऊपर तो मैंने देखा है कि औरतें जो होती हैं वो यूँ, हाँ मतलब जब रोटी सेक रही होती है तो ऊपर वाला आराम से यूँ पलट भी लेती है, पर नीचे से लाल हो जाता है कई बार। जो ये लोग बनाते हैं ना, मैंने देखा है कि रुमाली रोटी वाले, उनको तो पूरा यूटेंसिल ऐसे रेड हो जाता है पूरा, और जो मतलब जिस तरीके से बनाते हैं पूरा यूटेंसिल उनका रेड हो जाता है। कभी देखा है आपने ऐसा बनता हुआ? देखा होगा ऑफकोर्स। सबसे बढ़िया कौन सा प्रोसेस है? क्यों है ये सबसे बढ़िया? ना मैटर की, कोई मैटर की जरूरत नहीं है, ये वेव्स में ट्रैवल करता है, और ऐसे ही वेव जिन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों वेव मिक्स होती है, और ऐसी वेव सिर्फ कौन निकालता है? ज्यादातर सन। हम लोग भी बना सकते हैं, पर सोलर रेडिएशन जाती है। आप मानो सन से, ऐसा तो नहीं है कि सन के पास कोई रॉड है जिसपे सन फूंक मार रहा है और आ रही है हीट। सन में हीट है वो अर्थ तक कैसे आ रही है? क्या पानी से आ रही है? रेडिएशन से आ रही है। और वो रेडिएशन कौन सी होती है? ईएम वेव रेडिएशन। ईएम वेव, उस वेव का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और 12th में तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना भी है, पर अभी के लिए हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वेव एक साथ होती है। क्या? दो वेव एक साथ होती है, एक इलेक्ट्रिक वेव और एक कैसी होती है? अगर एक ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है ना, एक ऐसे ट्रैवल कर रही है तो उसी के साथ दूसरी एक ऐसे वाई में क्या, और दोनों साथ में कंबाइन होकर ट्रैवल करती है। दोनों साथ में, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों साथ में चलती है, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी स्पीड होती है लाइट की। किसकी स्पीड होती है? लाइट की। तो सोलर रेडिएशन इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सन से हीट आने वाली ना ही कंडक्शन है ना ही कन्वेक्शन है, इट इज अ सर, इससे बहुत सारी रेज आती है। और जानते हो ना, अगर ये रेज और ज्यादा हार्मफुल हो तो ये यूवी रेज होती है। कौन सी? आप लोगों ने सुना नहीं होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये आंखों में पड़ने पे आंखों को डैमेज कर सकती है, और अगर थोड़ी नॉर्मल है तो ये ईएम वेव्स होगी। और कौन सी होगी? विजिबल लाइट। कौन सी? और उससे भी कम है तो इंफ्रारेड। कौन सी? हाँ, रेडिएशन, ओवन। बहुत ही अच्छा, इसने दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया, ओवन। ओवन में ना ही क्या होता है? कंडक्शन भी होता है, ना ही कन्वेक्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है जो किसी को गर्म करती है। इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से, हाँ। और नीचे वो जो घूमता है, हमने देखा नहीं, वो ऐसे रोटेट, उसी से तो बनती है इलेक्ट्रिसिटी से। आप आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकते हो। वाईफाई में क्या है यार? वाईफाई में भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है।
वाईफाई में, इंटरनेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पर ये छोटे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती है, इनकी हीट वाली की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आप वेव्स देख के चीज़ों को गर्म कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोवेव में सबसे बढ़िया बात है कि जलने का खतरा नहीं होता, आपको पता लग जाता है अच्छा ठीक है अब हो गया, अपने आप वो स्विच ऑफ कर देता है, पता है ना? मेटल डाल दूं उसमें तो क्या होगा? मेटल गर्म होगा और क्या? ऐसा वो तो हाई, आप उसमें वो लिमिट डालोगे ना या बे लिमिट छोड़ दोगे? हाँ कंटेनर कोई सा भी डालो यार, पर वो थर्मो वो डालना होता है, वो डालना होता है थर्मोसेट, वैसे डालना होता है जो पिघले ना। और मैं तो आपको बोलूँगा कि उसके अंदर उसी के मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उसके मटेरियल लगाते हैं वो हीट। हाँ माइक्रोवेव के लिए वुड के भी आते हैं, सबसे सही आते हैं माइक्रोवेव के जो वुड वाले आते हैं, वो आराम से रखो और वो खुद गर्म नहीं होते। आया समझ में? मुझे तो सबसे अच्छा प्रोसेस कौन सा लगता है? रेडिएशन, फास्ट मेथड। तो तीन मेथड कौन कौन से हो गए? कंडक्शन में क्या हुआ? नो एक्चुअल मोशन, हीट ट्रांसफर बाय वाइब्रेशन, इसमें हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स और मैटर, इसमें नो मैटर रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एग्जांपल जैसे बच्चों ने बताया माइक्रोवेव ओवन और सोलर रेडिएशन। अब हम लोग करेंगे जो थर्मल कंडक्शन है उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। हमने डेफिनेशन तो जानी ली, अब थर्मल कंडक्शन का एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? थर्मल कंडक्शन का एक फॉर्मूला। हेडिंग है हमारी थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन, और इसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम कंडक्टिविटी। सही है, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्शन एंड कंडक्टिविटी क्या है? इसके लिए आप एक डायग्राम बना लो। क्या बना लो? डायग्राम। यहां का जो टेम्परेचर है वो कितना है? T1, और यहां का जो टेम्परेचर है वो क्या है? T2। T1 ये थोड़ा सा हॉट, हॉट फेस, और ये कौन सा है? कोल्ड फेस। जो इसका ये लेंथ है वो क्या हमने ले ली? x। x क्या है? लेंथ ऑफ दी लेंथ बिटवीन टू फेसेस, लेंथ बिटवीन टू फेसेस, और इसका पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा। ये इसका क्या है? एरिया। और अंदर ही अंदर आपको यू एक डायर ऐसे दिखाना है और लिखना है क्यू। क्यू क्या है? हीट फ्लो। क्या है? हीट फ्लो। स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू लेंगे, हीट फ्लो। ये आपको डायग्राम बनाना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन, और कंडक्टिविटी के बारे में बाद में पता लगेगा आपको जब ये टॉपिक होगा अच्छे से। तो एक एरिया है, मान लो यही है वो, ये एरिया होगा, इस तरफ हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट। और हमें लानी कहाँ है? हीट यहाँ पर, यहाँ पर हीट दे रहे हैं और हमें यहाँ लानी है। और ये इसका पूरा क्या हो गया? लेंथ। क्या बताओ, जितनी हीट यहाँ देंगे उतनी मिलेगी यहाँ पे?
वहां जाते जाते कम हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आप और हीट दोगे और ये हीट और लेगा नहीं बल्कि पिघल जाएगा। ऐसा भी होता है कि आप हीट देते रहो, ऐसा नहीं हमेशा लेता रहेगा, एक टाइम पे ये वाला फेस क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ऐसा भी होता है। इसे बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है जहां हीट लेना वो बंद कर। तो आप यहां पे हीट दोगे, आपको पूरी की पूरी हीट वहां नहीं मिलेगी, और इसे आप अनलिमिटेड हीट नहीं दे सकते, इसकी भी एक लिमिट होगी एब्जॉर्ब करने के लिए, इसकी एक थर्मल कैपेसिटी होगी। क्या होगी? थर्मल कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मेन चीज क्या है? अंदर से हीट फ्लो कर रही है। पहला, इसके अंदर हम कुछ हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे। क्या करेंगे? पहली ऑब्जर्वेशन, इसे आपको इंग्लिश में लिखना है। किसमें लिखना है? मैं तो आपको नॉर्मल उस लैंग्वेज में लिखूंगा, फिजिकल लैंग्वेज में। क्या बोल सकते हो कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? क्या आपको उतनी हीट देनी पड़ेगी जितना बड़ा एरिया होगा? मान लो एक छोटा सा यूटेंसिल और एक बड़ा सा यूटेंसिल है, किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी? बड़े वाले में ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, जो आप फ्लो करवाना चाहते हो इसके अंदर से, वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा? डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? मान लो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, उतना ज्यादा इसमें से हीट फ्लो करेगी। क्या करेगी? फ्लो। देखो, जैसे कि ये 100 डिग्री पे है और ये किस पे है? थोड़ी देर बाद ये 100 डिग्री पे ही है, इसे हम हीट देते जा रहे हैं, पर ये 50 डिग्री पे हो गया। किस केस में जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगी? ऊपर वाले, ऊपर वाले केस में ये हॉट है और ये क्या है? कोल्ड। तो जल्दी जल्दी, अब एकदम ही ठंडा है तो हीट जल्दी जल्दी वहां जाएगी गर्म करने के लिए, उसे हीट जल्दी जल्दी। अब तो ये गर्म करते करते ये 50 पे पहुंच ही चुका है, तो क्या उतनी तेजी से हीट जाएगी अब? नहीं। याद रखना कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? पूरा का पूरा 100, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 50। तो ये बिल्कुल इससे डबल है। यहां पे हीट फ्लो जल्दी जल्दी हो रही होगी और यहां पे क्या? क्यों पूछो ऐसा? क्यों? हीट चाहती है, क्या चाहती है हीट? कि वो एकदम ठंड गर्म से ना जाए ठंडे में। क्या? ये सॉरी, इसकी जगह आप T1-T2 ही करो, सही है? क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हॉट है ना और कोल्ड। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, एक टाइम पे ऐसा होगा कि और हीट जाना बंद कर दी, बढ़ जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स में पहले से ऑलरेडी हीट होगी, तो आगे वो फ्लो। बच्चों, अब आप, ये दोनों बातें सच है? सच है ये, इन आप इंग्लिश में लिखोगे, हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तीसरी चीज, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी मतलब क्या है? टाइम, फ्लो ऑफ टाइम। जितना ज्यादा टाइम लग रहा होगा ना यहां से यहां तक जाने में, उतना ज्यादा आपको क्या देनी पड़ेगी? हीट। मतलब यहां से यहां तक जाने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको हीट भी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर जल्दी से पहुंच रहा होगा तो। अभी चौथे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अब मैं बताऊं, अगर लेंथ बड़ी हो गई तो हीट फ्लो इतनी जल्दी नहीं हो रही होगी, उसे बहुत ही ज्यादा क्या मतलब तुम्हें समझ में आया, ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी जल्दी से नहीं जा पाएगी। तो आप चाहते हो कि ये लेंथ कम रहे यार, नहीं तो इतनी यहां से यहां तक इतना फ्लो, जो हीट का फ्लो हो रहा है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं बताता हूं, एक है 1 मीटर का और एक है तुम्हारा 2 मीटर। यहां पे आपने दी
10 जूल हीट, कितनी थी? और वहां तक जो गई, मतलब वहां तक जो गई मान लो 8 जूल गई। सुनो यहां समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पे आपने 1 मीटर का गैप है, यहां पे आपने 10 जूल दिया और वहां कितनी जा पाई? 8। मतलब 8 जूल फ्लो हो गई। इसमें देखो अभी क्या हुआ, 10 जूल दी, कितनी जूल? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि किसमें ज्यादा फ्लो हुआ, तो कम लेंथ में आ रहा समय जो हीट एनर्जी है, एक्चुअली तो हीट एनर्जी है, रेट ऑफ फ्लो नहीं है अभी। अभी इसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे ना तब रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा, अभी रेट नहीं है, हीट फ्लो है, जस्ट हीट एनर्जी फ्लो। रेट पता है तब होता है कोई चीज जब उसके नीचे डिवाइड क्या हो जाता है, टाइम। तो आपको समझ में आ रही है वाली बात? बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वहां जाते जाते डिक्रीज होता है, आपको पता है ना, तो वहां जाते जाते बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और यहां पर क्या हुआ है, कम लेंथ में जो अच्छा वाला जो हीट एनर्जी फ्लो है वो ज्यादा कर सकती है, और अगर ज्यादा लेंथ हो तो कम फ्लो कर पाएगा। सारा बात समझ में आ गया क्या? सबको मिला दें, सबको मिला दो चारों इक्वेशंस को, पहली दूसरी तीसरी चौथी, क्या मिलेगा हमारे पास? एक हमें कंबाइंड फॉर्मूला अच्छा भला मिल जाएगा, वो फॉर्मूला हमें ये मिलने वाला है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, ए डेल्टा टी ये वाला टी बाय एक्स, यहां टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हो। ये आया फॉर्मूला, क्या इसे ये लिख सकते हैं बच्चों? जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है एक क्या आता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही क्या है, कांस्टेंट ही क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो के है यही क्या है, थर्मल हर्मिटिविटी। हाँ, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, वो बात याद रखना, एल्यूमिनियम में ज्यादा होता है, इसको पता है, सिल्वर में भी ज्यादा होता है, पर एल्यूमिनियम के स्ट्रॉन्ग है, रिजिड भी है, सिल्वर ये सब जल्दी वो कर जाता है, गिरने पे इनमें मोच आ जाती है, ये ज्यादा ही कुछ डक्टाइल होता है, हमें इतने ज्यादा डक्टाइल नहीं चाहिए, ज्यादा डक्टाइल होना भी अच्छी बात नहीं है, गिरते ही अगर किसी में प्रॉब्लम हो जाए, अगर प्योर सिल्वर में गिरते ही प्रॉब्लम हो जाएगी, मोच आ जाएगी, तो हमारा तो यूटेंसिल खराब हो गया ना। हम चाहते हैं एल्यूमिनियम के यूटेंसिल, हम चाहते हैं कॉपर के यूटेंसिल। पुराने जमाने में या अभी भी जो कुकर आते थे ना, कुकर तो वैसे तो एल्यूमिनियम का बना था, पर नीचे का बेस उसका कॉपर का बनाते थे, आज भी ऐसे होते हैं, उसमें अलग अलग दिखता था, नीचे का ब्राउन, नीचे से थोड़ा ब्राउनिश कुकर और ऊपर से बिल्कुल एल्यूमिनियम वाला कलर, मतलब मजा आ जाता था वो देख के। अब तुम्हें मैं पूरे ध्यान से एक बात सुनना मेरी, सारे क्यू है, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया डबल करोगे क्यू भी क्या देनी पड़ेगी, डबल, टेम्परेचर डबल करोगे ये भी डबल हो जाएगी, टाइम बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाएगी, ये बढ़ाओगे ये कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ जो के आया है, के कांस्टेंट है, के जो है के वो एरिया टेम्परेचर इन सब पे डिपेंड नहीं करता, क्यू जो के है ना वो डिपेंड करता है सिर्फ के थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पे, किस पे? कल को तुमसे कोई भी बोले कि मैंने एरिया डबल किया, थर्मल कंडक्टिविटी क्या हुई? नो चेंज, एरिया डबल, थर्मल कंडक्शन डबल, थर्मल कंडक्शन डबल, थर्मल कंडक्टिविटी नो चेंज। आ रही है बात समझ में आपको? एरिया डबल करने से कंडक्शन में फर्क पड़ता है, पर कंडक्टिविटी पे फर्क, कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फिजिकल टर्म्स, इट इज डिपेंडेंट ऑफ ऑल द फिजिकल टर्म, इट इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आ रही है? तो अगर कल को वही बोले
कि मैं एक को पहले कॉपर लेके आया, फिर मैं और कॉपर लेके आया और मैंने दो कॉपर को जोड़ दिया, मैं पहले कॉपर लेके आया फिर मैं और कॉपर लेके आया, दोनों को जोड़ दिया, के पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कॉपर लेके आया और एल्यूमिनियम लाया, दोनों को जोड़ दिया, अब के पे फर्क पड़ेगा? यस, मटीरियल अलग कर दिया, जब तक मटीरियल ए है कोई के पे फर्क नहीं पड़ना है, चाहे आप दो गुना कर दो, तीन गुना कर दो। बोलते हैं लोग मैं तीन रॉड लेके आया, एल्यूमिनियम की, आयरन की और एल्यूमिनियम की, के पे फर्क पड़ा? हाँ, ज्वाइन करने पे, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। पर के पे कब नहीं फर्क पड़ेगा? सेम मटेरियल होगा। तेज बोलो। नहीं, उतने हमारी गैस के टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हो सकता। गैस का टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़े कितना भी बढ़ ले, उसे तो चाहिए 400-500 डिग्री सेल्सियस, आपका गैस दे सकता उतना? तो एल्यूमिनियम वगैरह सब मेल्ट हो सकता है, पर उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम आयरन, ये मतलब आयरन के रखते हैं बर्तन, कॉपर के रखते हैं, एल्यूमिनियम के रखते हैं, पर हम किसके नहीं रखते? गोल्ड और सिल्वर के कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जल्दी होता है मेल्ट होने का खतरा, वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, लिखो, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फिजिकल टर्म, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फिजिकल, फिजिकल टर्म मतलब लेंथ, एरिया, वेलोसिटी, ये जो फालतू की जितनी भी चीज होती है सब। आया? अब मैं तुम्हें एच के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? H. H क्या है? ये है हीट फ्लो रेट। क्या है हीट? H क्या है? हीट फ्लो रेट। H होता है Q बाय टी, Q बाय हीट फ्लो रेट को बोलते हैं Q बाय। तो अगर मान लो ये वाला T इसके नीचे आ जाए तो ये Q बाय टी हो जाएगा, तो बचा हुआ फॉर्मूला क्या होगा? के ए डेल्टा टी बाय एस। तुम्हें हीट निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। और हीट फ्लो रेट लगाना है तो के ए टी बाय, उसमें टेम्परेचर टाइम नीचे आ जाएगा अपने आप। तो एच अलग होता है, एच होता है हीट फ्लो रेट, और क्यू क्या आता है? हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी हमें दी है। आया समय में? और K जो होता है सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और तो कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों सिल्वर है और एक का K1 हो, एक का K2 हो और एक का K3 हो, तीनों अगर सिल्वर है तो तीनों का KKK होगा, पर एक कॉपर है, एल्यूमिनियम और आयरन है तो K1 K2 और, याद रहेगा? नेक्स्ट क्लास में इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है? चलो बाय।